मोबाइल से जब हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक शटर साउंड आता है। अब इंडियन मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में तो हम लोग शटर साउंड को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जापानीज मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सन 1998 में जब पहली बार जापान में कैमरा मोबाइल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ उसके बुरे इस्तेमाल भी शुरू हो गए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लड़कियों की छिप छिप कर फोटोज खींचनी शुरू हो गई और वो वायरल होना शुरू हो गई। अब इसी से निजात पाने के लिए और अपनी जापानीज सभ्यता को बचाने के लिए वहां की कंपनीज ने डिसाइड किया कि कैमरा एक्टिविटी के साथ साथ कोई ना कोई साउंड जरूर होना चाहिए, और तब से लेके आज तक वो लोग इसे फॉलो करते हैं। वहां पर कोई भी मोबाइल बिकता है तो उसमें कैमरा के साथ शटर साउंड होता ही है और उसे ऑफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हवाई जहाज में किया गया टॉयलेट सीधे जमीन पर आकर गिरता है तो बच्चों के जैसा सवाल, लेकिन कभी ना कभी आपके भी दिमाग में सवाल तो जरूर आया होगा। कई बुद्धिजीवियों का तो यह भी कहना होगा कि वो टॉयलेट अर्थ के एनवायरनमेंट में आते आते अपने आप ही खत्म हो जाता है, लेकिन थांबा ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक हवाई जहाज के पास खुद का 2 गैलन का एक टैंक होता है जिसमें उस टॉयलेट को इकट्ठा किया जाता है, और जैसे ही हवाई जहाज लैंड करता है उसके बाद उस टैंक को खाली कर लिया जाता है। अब अगर अगली बार आपके सिर पे कभी पानी का टपका गिरे तो आप ये समझ लेना कि वो कम से कम हवाई जहाज से तो नहीं गिरा। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे टफेस्ट गाड़ी दिखाने वाला हूं। एक ऐसी गाड़ी जो कि हर तरह की कंडीशन को सरवाइव कर सकती है, एक ऐसी गाड़ी जिसे चुराया नहीं जा सकता, एक ऐसी गाड़ी जिसके ग्लासेस और जिसकी बॉडी पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, और ना सिर्फ बुलेट प्रूफ है वो हैंड ग्रेनेड प्रूफ भी है। एक ऐसी गाड़ी जिसके टायर पर गोली लग जाने के बावजूद भी उसे चलाया जा सकता है। एक ऐसी गाड़ी जिसके टैंक में अगर छेद हो जाए तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली सील कर लेता है। और तो और ये ऐसी गाड़ी है जो कि न्यूक्लियर वॉर को भी सर्वाइव कर सकती है। इस गाड़ी को बनाया है फेरिस रिजवानी ने, जो कि बचपन से ही एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते थे जो कि इमोर्टल हो। इस गाड़ी का नाम है रिजवानी टैंक। गाइस, आपको ये गाड़ी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद गुजरात के भरूच के एक पेट्रोल पंप मालिक ने इस उपलब्धि को एक अलग तरीके से दिमाग लगाकर सेलिब्रेट किया। उन्होंने ये ऐलान किया कि जिसका नाम भी नीरज है वो अपनी गाड़ी और अपनी आईडी लेकर आए और हमसे 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में ले जाए। ऐसा करके लगभग 30 नीरज नाम के लोगों ने उस पेट्रोल पंप से 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में डलवाया। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 15,000 रुपए के पेट्रोल को फ्री में देके उस गुजराती भाई ने करोड़ों रुपयों की पब्लिसिटी करवा ली। इसे कहते हैं गुजराती दिमाग। लेकिन गाइस, उनके दिल की भी दाद देनी पड़ेगी। गाइस, आपका इस गुजराती भाई के दिमाग के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सुना ही होगा कि चांद धरती से धीरे धीरे दूर जाते जा रहा है, पर अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो हमारी धरती का और हमारा क्या होगा, क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो धरती का घूर्णन 3 से 4 गुना हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दिन 6 घंटे के ही रह जाएंगे, यानी कि छोटे हो जाएंगे। हवाएं 400 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चलेंगी, जिससे पक्षी और इंसेक्ट्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रातें बहुत ज्यादा काली हो जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि धरती अपनी एक्सिस से टिल्ट हो जाएगी, यानी कि हिल जाएगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा हो जाएंगी और उसकी वजह से पूरी तरह से तबाही मच जाएगी और अंततः हम खत्म हो जाएंगे। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इन्फॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।